दोस्तों, मैं हूँ शफीक और आप देखना शुरू कर चुके हैं सीमांचल मीडिया क्लिप्स। दोस्तों, फेसबुक तो हम सभी लोग यूज़ करते हैं। जी हाँ, दिन भर में 1 घंटे 2 घंटे फेसबुक में ज़रूर हम टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन क्या होगा जब आपको पता चले कि आपका फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है? आपको एक ईमेल आएगा कि आपका फेसबुक अकाउंट जो है उसका पासवर्ड चेंज कर दिया गया है, तो आपको कैसा लगेगा? घबरा जाएंगे कि क्या करें ना करें। जी हाँ, ऐसे ही मेरे साथ हुआ है। लेकिन आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको अगर ऐसा कुछ होता है कि आपका फेसबुक अकाउंट हैक हो जाता है, आपका पासवर्ड चेंज हो जाता है, तो आपको एक ईमेल आएगा या आपका मोबाइल नंबर पे कोई SMS आएगा, तो आपको ईमेल आएगा। तो उसके बाद आप अपने फेसबुक में जाएंगे, आप अपने फेसबुक को ओपन करेंगे तो वहाँ आपको आपको दिखाई देगा सेशन एक्सपायर। तो आपको वहाँ पे एक ओके का बटन मिलेगा, आपको ओके के बटन पे क्लिक करना है। ओके के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको फेसबुक एक दूसरे पेज पे लेके जाएगा। वहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे आपके फेसबुक अकाउंट को रिकवर करने के लिए, एक मोबाइल नंबर के जरिया और जो है कि एक फ़ोटो जो होगा, फोटो देख करके उसका नाम पहचानना है, जो भी आपका फेसबुक फ्रेंड होगा उसका फोटो देख देख करके नाम पहचानना है। तीसरा कुछ और है जो मेरे जहन में अभी नहीं आ रहा है। तो मैंने जो रिकवर किए हैं फेसबुक के फ्रेंड जो है मेरे, उसके फोटो देख करके मैंने उसके ID पे क्लिक किया है कि इसका ये फोटो है और उसका ये नाम है। तो इस तरह से आपको फोटो वाला ऑप्शन क्लिक करना है, चूज करना, उसके बाद आपको फोटो शो करेगा फेसबुक, और फोटो जो होगा उसका जो नाम होगा उस नाम पे क्लिक करना, उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। और जिस फोटो आप देखेंगे जिसका नाम नहीं जानेंगे, आपको नीचे स्किप का बटन मिलेगा, वहाँ पे स्किप कर सकते हैं, फिर आपको दूसरा फोटो दिखाया जाएगा। इसी तरह से आपको 10 या 15 फोटो दिखाया जाएगा, आप कंटिन्यू करते रहेंगे। उसके बाद जब आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपको ले जाएगा एक दूसरा पेज में, जहाँ पे आपको एक नया पासवर्ड क्रिएट करना होगा, आपको एक नया पासवर्ड बनाना होगा। 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक पहला जो ऑप्शन मिलेगा वहाँ पे आपको पासवर्ड अपना नया डालना है, फिर उसके नीचे एक वही पासवर्ड को दोबारा डालना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट क्लिक करना है। उसके बाद वहाँ पे आपको एक दूसरा पेज पे और लेके जाएगा फेसबुक, तो वहाँ पे आपका जो जितने पोस्ट हैं, कॉमेंट्स हैं, जो भी हैं, अगर उसमें पूछा जाएगा अगर आप इसमें से किसी चीज़ को डिलीट करना चाहते हो, आप डिलीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो नीचे जाएंगे आप, नीचे जाने के बाद वहाँ पे आपको स्किप का बटन मिलेगा, वहाँ पे स्किप कर सकते हैं। स्किप करने के बाद आपको एक दूसरा पेज में लेके जाएगा, वहाँ पे आपको कंटिन्यू का बटन मिलेगा। कंटिन्यू का बटन पे क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट अपने फेसबुक में पहुँच जाएंगे। उसके बाद आप फिर अपने फेसबुक को पहले की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे साथ हुआ क्या, मेरे साथ भी यही हुआ था। मेरे को एक ईमेल आया, तो मैं जैसे ही ईमेल आया मैं फट से अपना फेसबुक पे गया और अपना ये प्रोसेस कंप्लीट किया और मेरा फेसबुक अकाउंट रिकवर हो गया। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं इसी तरह के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जब तक लिए अपना ख्याल रखिए।